तो 12 घंटा के अंदर काम चेतावनी दे रहे जिला प्रशासन को, फिर रोड पे उतरेंगे, फिर हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। एक और जहां अहमदाबाद, बरारी और कुर्सेला बाढ़ का दंश झेल रहा है, वही मनसाही अंचल क्षेत्र का चित्तौड़िया पंचायत भी कई दिनों से बाढ़ का दंश झेल रहा है। मनसाही के चित्तौड़िया पंचायत का वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के लोगों पर पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर बरप रहा है। इसी क्रम में बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों से मिलने कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सह समाज सेवी मोहम्मद नाजीम मनसाही के चित्तौड़िया पंचायत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सघन दौरा किया। दौरे के बाद वे सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिले, उनकी समस्या को सुना और जल्द से जल्द सरकारी राहत दिलाने की भी बात की। कांग्रेस नेता मोहम्मद नाजीम स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि चित्तौड़िया पंचायत का कई गांव पूर्णतः बाढ़ प्रभावित है, मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। उन्होंने प्रशासन से भी जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक किचन, सूखा राशन, चिकित्सा व्यवस्था, पॉलिथीन और ब्लीचिंग आदि की मांग की। मनसाही प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है चित्तौड़िया पंचायत, 1 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड का स्थिति पूरा भयावक है। यहाँ पे 1.5 महीना से बाढ़ है ये 4 वार्ड में। जब आपदा का मीटिंग होता है 6 महीना साल भर पहले कि उसके लिए हम लोग को तैयारी करना है प्रशासन को, आज 1.5 महीना हो गया, एक भी प्रशासन या किसी तरह का कोई मुहैया यहाँ पे नहीं मिला है। ये लोग का घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है, ना घर में खाने का राशन है। सबसे बड़ा चिंता विषयक बात तो यह है कि बहुत गंदगी पानी है। हम लोग आज विजिट में आए हैं, पानी इतना स्मेल कर रहा है, महक रहा है। अभी तो यहाँ ना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है, ना मेडिकल लगा करके ना किसी को दवा दिया गया है। अगर बीमारी का रूप उत्पन्न ले ले तो फिर क्या करेगा गरीब लोग। अभी हम लोग महादलित टोला में सबसे घर घर जाके मिले हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया गया, ना प्रशासन का लोग आकर के आश्वासन दिया है। हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि 12 घंटा के अंदर में सामुदायिक किचन यहाँ चालू हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, मेडिसिन का व्यवस्था किया जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मुहैया नहीं कराई गई तो वह प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अगर 12 घंटा के अंदर में अगर सामुदायिक किचन का अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो 12 घंटा के अंदर काम चेतावनी दे रहे जिला प्रशासन को, अगर नहीं किया गया तो मेरे नेतृत्व में कल हम लोग प्रखंड कार्यालय मनसाही का घेराव करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नजीम, समाज सेवी मनसाही, सह कांग्रेस नेता मनसाही। कि चित्तौड़िया का जो 4 वार्ड है, आप लोग मीडिया कर्मी, हम आप लोग का सम्मान करते हैं कि आप लोग भी जाके गांव को देखिए, खेती को देखिए कि खेती का क्या स्थिति है। चित्तौड़िया का 4 वार्ड को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए, ये मेरा मांग है पूर्ण रूप से। अगर नहीं किया जाता है इसका आंदोलन हम लोग करेंगे, फिर रोड पे उतरेंगे, फिर हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 0642-2425-73, मोबाइल नंबर 9297979709।